दोस्तों हम लोग हैं विंटर स्पीति ट्रिप पे और अभी हम लोग पहुंचे हैं सुंदो और मुझे कुछ लोग भाई लोग जो मिले हैं दिल्ली से ही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक हुंडई कोना से ट्रेवल कर रहे हैं ये विंटर स्पीति। तो मैं इन लोगों से पूछ रहा था, मैं भाई ये चार्जिंग आप लोग करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना ये क्वेरीज रहती है कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ले तो उसमें हम लोग बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो भाई लोग बेटर बताएंगे कि भैया दिल्ली से चले तो इन्होंने कितनी बार चार्ज की है और विंटर स्पीति ट्रिप कर रहे हैं। मायने रखती है विंटर स्पीति, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना बहुत प्रॉब्लम है। लद्दाख साइड में आप लोग जाओगे तो वहां तो फिर भी थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन इस तरफ थोड़ी कम है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ और भाई लोगों से पूछता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लोग खरीदते हो तो वो खरीद सकते हो या नहीं, और ट्रेवलिंग कर सकते हो या नहीं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि दिल्ली की दिल्ली में तो आप लोकल तो चला सकते हो, अपने 100 किलोमीटर जाओ, अपने घर पे आओ, चार्ज करो, फिर चले जाओ, लेकिन बाहर ऐसी डेस्टिनेशन पे ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात है। तो भाई शुभम भाई की गाड़ी है ये। हाय गाइस। तो और भाई ये कोना हुंडई कोना, मतलब कि ये वैसे कितने की शुभम भाई है? भाई हमें 25 लाख के करीब की पड़ी है। हाँ। तो इसमें आप लोग देखो, ये अंदर से आप लोग देखोगे ना तो इसमें गियर वगैरह तो होते नहीं है, लेकिन हाँ, और पिकअप वगैरह तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जबरदस्त होता है। तो आप दिल्ली से निकले तो आपने फर्स्ट चार्जिंग कहाँ पे की इसकी? हमने चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम चार्ज करी गाड़ी। अच्छा, उसके बाद? चंडीगढ़ के बाद हमने शिमला करी। ठीक है। उसके बाद अभी स्पिलो में करी है। ठीक है, मतलब कितना टाइम लेती है चार्ज होने में? जैसे स्पिलो में करी, चार्जर से करते हैं चार्ज, तो गाड़ी एक घंटे के अंदर अंदर चार्ज। और कितनी चलती है फिर? नॉर्मल पे 400 किलोमीटर करीब चलती है। तो अभी मतलब इजीली काजा पहुंच जाएगी? इजीली पहुंच जाएगी। पहाड़ों पे थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, 350 तक भी हो जाता है। लेकिन ये है कि अभी काजा मतलब कि 100 किलोमीटर के अराउंड है, तो इजीली पहुंच जाओगे, फिर काजा में चार्ज कर लोगे इसको। उतरते हुए काफी चार्ज हो जाती है। अच्छा, जैसे वहाँ पे काजा में माइनस में है टेम्परेचर, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है इसको? गाड़ी का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्लीज बैटरी बैकअप जैसे फोन का अपने लैपटॉप वगैरह कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो भाई ऐसा है, देखो भाइयों ने मतलब की बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये है, अपने भाई लोग दिल्ली से ही है, तो आप लोग भी आओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो भाई देखो आपके पैसे भी बचेंगे और थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन ये है कि भाई डीजल वगैरह भी महंगा पड़ता है। तो ये है भाई, कोई भी अगर शिमला रूट से आ रहा है, शिमला साइड से आ रहा है इलेक्ट्रिक में, तो इतनी ज्यादा उतराई है, गाड़ी चार्ज करने की कहीं जरूरत ही नहीं है। आप 200-300 अनारकंडा के बाद तो फिर उतरना ही है। सारा टोटल उतराई है, उतराई में हमारी गाड़ी रीजनरेशन की वजह से डबल चार्ज हो जाती है। अच्छा, ये मतलब कि जैसे स्लो चलाते हैं उतराई में, जैसे स्पीड में चलाओ गाड़ी चार्ज हो जाती है, और डिस्टेंस जो आप उतरते हो वो भी सब वैसे ही उतर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो स्पीति आ गए हैं तो दोस्तों, इससे ज्यादा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं वही तो देख के मंगाया, इलेक्ट्रिक से आए भाई लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सारे भाई लोग हैं भाई दिल्ली से, और आप लोग भी अगर विंटर स्पीति ट्रिप करना चाहते हो तो डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो, 4x4 हो, 4x2 हो, कुछ भी हो, सोचने की जरूरत नहीं है भाई, आ जाओ। तो आने वाला टाइम तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी का ही है, तो बहुत बढ़िया शुभम भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग आपने एक मतलब एग्जांपल सेट किया है सबके लिए। एंड भाई वी आर 4 पीपल विद आवर लगेज, एंड वी लाइक हमने दिल्ली से शुरू किया था, अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग मान के चलें पूरी ट्रिप हम लोग बैक टू दिल्ली अगर करते हैं, दैट विल कॉस्ट अस 2000 रुपीज। लाइक मैं ज्यादा बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो एरियर से हूँ तो मेरा तो अभी तक 8-10 हज़ार का तो डीजल चल चुका है उसमें, आने आने में अभी तो जा रहा है, दिल्ली जाना है अभी तो। 2000-2000 के अंदर पूरा कंप्लीट सब हो जाता है। बहुत बढ़िया, किसी भी होटल में आप स्टे कर रहे हो ओवरनाइट चार्ज कर लो तो कोई कुछ होता ही नहीं। तो वो चार्जिंग तो पैसे तो लेते ही होंगे, उनका बिल तो आता है। अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आप जैसे हाँ तो बोल देने के भाई चार्ज करनी है, इधर तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी थोड़ा से प्रॉपर अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। दोस्तों ये था भाई कोना हुंडई इलेक्ट्रिक कार का रिव्यू, जो की स्पीति ट्रेवल कर रही है दिल्ली से। तो आप लोग भी अगर देखो, टाटा की भी गाड़ियाँ आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही हैं, टाटा की नेक्सोन आ रही है, टियागो आ रही है, हर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है, क्योंकि आने वाले 2-4 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेंगी। तो अभी सबसे बड़ा कंसर्न क्या है लोगों का, कि हम लोग इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी ऐसी जगह पर। तो भाई इसलिए मैंने मेरा वीडियो बनाने का, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप लोग खरीद सकते हो। बिल्कुल, अभी भाई लोगों ने बताया कि उनका दिल्ली से स्पीति तक का 1500-2000 रुपये का ही खर्चा आएगा, जबकि मैं अपनी हैरियर का बता रहा हूँ। तो अभी 15 की माइलेज दे रही है ये, 15 से भी थोड़ी सी कम ही दे रही है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है आगे गाड़ी स्पीड में चलती नहीं है। तो इसमें मेरा 15-16 हज़ार का दिल्ली जाके मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी डीजल लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इन गाड़ियों के मुकाबले में, वैसे बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि भाई हम इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो इससे अच्छा तो हमें ना डीजल डलवा लें, पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि भाई अगर
पेट्रोल और डीजल की गाड़ी 10 लाख की आती है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है कम से कम भी 2-4 लाख रुपए महंगी ही आती है उससे। तो लोगों का ये है कि भाई इतने में तो हमें इलेक्ट्रिक अपनी डीजल डलवा लेंगे 2 लाख रुपए का, लेकिन भाई इन्वायरमेंट भी देखना है, हम लोगों को ही देखना है सारा सिस्टम। और आप एक बार जो पैसे स्पेंड कर देते हो ना, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं स्पेंड करना पड़ता, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, उससे आप लद्दाख भी ट्रैवल कर सकते हो, स्पीति भी ट्रैवल, क्योंकि अगर स्पीति ट्रैवल कर सकते हो तो लद्दाख भी इजीली कर सकते हो। और भाई लोकल तो आप जा ही सकते हो, आसपास के हिल स्टेशन तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार चार्जिंग होने के बाद 400 किलोमीटर के अराउंड गाड़ी चल जाती है। तो भाई यही था मेरा वीडियो दिखाने का मकसद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास आती रहेंगी।